फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल प्लेन कपड़े से डिजाइनर ब्लाउज बनाना। और ये हमारा लाइनिंग है और ये मेन फैब्रिक है, तो हमारे पास मेन फैब्रिक ज्यादा है, इसलिए पहले मैं मेन फैब्रिक पे से कट करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को कट कर लिया है और इसे फोल्ड कर लिया है। और इसकी लंबाई मैंने रखी है 15.5 इंच और हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14.5 इंच और यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है लगभग 11 इंच लेना है हमें। ये 36 इंच साइज का ब्लाउज है और यहाँ पे 7.5 इंच पे हम अपने शोल्डर का मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर है 15 इंच और इधर से नीचे की तरफ हम 6.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और ये 10 इंच पे हम अपना बस्ट का पॉइंट का मार्क लगाएंगे। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेंगे हम। बाद यहाँ पे हम 1.25 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम अपने चेस्ट का राउंड मेजरमेंट लेंगे तो वो है 36 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 9 इंच, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच की लूजिंग देंगे उसमें। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और हमारे जो वेस्ट का राउंड मेजरमेंट है वो है 30 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 7.5 इंच और उसमें 1 इंच के लिए हम यहाँ पे टक्स देंगे फिटिंग का और यहाँ पे 1.5 इंच पे हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे। और हमारा नेक है वो बिल्कुल 0 साइज का नेक हम बना रहे हैं यहाँ पे बैक में, तो जो हमारे टक्स की लेंथ होगी ऊपर की तरफ वो हम पूरे चेस्ट तक ले जाएंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसीलिए 1/2 इंच की लूजिंग दी थी और इसे इस तरीके से 1/2 इंच दोनों तरफ मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो नेक की विड्थ होगी वो होगी 3 इंच और जो बैक का नेक होगा वो 1 इंच हम यहाँ पे रखेंगे इसे। इस तरीके का नेक आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। अगर आपको डीप नेक पसंद नहीं है तो इस तरीके का नेक जरूर बनाइए, बहुत ही स्मार्ट लुक आता है इससे। और इसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने फ्रंट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग वाले साइड को फोल्डिंग वाले साइड से मैच करते हुए उसके ऊपर हम सेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है प्रिंसेस कट के लिए, तो यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे हमने लगभग 3 इंच है, तो हम पूरे कपड़े को इस तरीके से ले लेंगे और नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेंगे और सेम और यहाँ पे एक मार्किंग देंगे हम ब्लाउज की लेंथ की। उसके बाद सेम इसी तरीके से पूरे ब्लाउज पर निशान लगाते हुए हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना बैक का पोर्शन यहाँ से हटा देंगे और फ्रंट के पोर्शन पे हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ऊपर से हम 10.5 इंच पे अपना बस्ट का पॉइंट लगाएंगे निशान। उसके बाद ये दोनों लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे लाइन जो हमने ड्रॉ की है उस पर हम एक तरफ 1.5 इंच के लिए इस तरीके से मार्किंग करेंगे और ऊपर से सीधा हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर हम आर्म होल पे यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से शेप दे देंगे। और यहाँ पे जो हमने सीधी लाइन बनाई थी इसे हल्का सा हम इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से तिरछा कर देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। और जो हमारा जो नेक है इसका हम फ्यूजन पेपर से बाद में बनाएंगे और जो इसके फ्रंट के आर्म होल की जो फिनिशिंग है वो भी हम प्रिंसेस कट कट करने के बाद में देंगे। और ऊपर में हम इस तरीके से हल्का सा कट लगाएंगे, इससे शेप अच्छा आता है प्रिंसेस कट का। और यहाँ पे नीचे में हमें एक प्लेट्स लगानी है, वो अभी हम बाद में लगाएंगे स्टिचिंग के टाइम में। तो यहाँ से इसका शेप परफेक्ट आता है
और यहाँ पे हम अपने टक्स पॉइंट पे मार्क कर लेंगे और इसी तरीके से हम लाइनिंग पे भी सेम सभी को रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए मैंने बैक पोर्शन को और फ्रंट पोर्शन सभी को रखते हुए लाइनिंग पे कट लगा लिया है। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को स्टिच लगा लेंगे। और अगर आप पैड वाले ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो लाइनिंग के आपको दो पीस कट करने पड़ेंगे। मैं इसमें पैड अटैच नहीं कर रही हूँ तो मैंने बस एक पीस कट किया हुआ है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो इस तरीके से मैंने सभी पार्ट को एक दूसरे के साथ में अटैच कर लिया है यहाँ पे देखिए। और इस तरीके से जो अनइवन फैब्रिक है उन्हें हम अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद में हम एक इनको स्टिच करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो स्टिच करते टाइम ध्यान रखना है हमें कि टक्स पॉइंट जो है हमारा एक दूसरे के साथ में मैच करते हुए हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे। हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से स्टिच लगाना है और बिल्कुल भी हमें इसे खींचना नहीं है। तो हल्के हाथों से हम इस तरीके से इसे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। और इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। टक्स पॉइंट को मिलाते हुए हम नीचे से इस तरीके से स्टिच लगाना शुरू करेंगे और ऊपर तक इस तरीके से सेट करते हुए स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पे अपने साइड के प्लीट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर से एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे। उसके बाद इस पॉइंट को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और ये हम अपना जो प्रिंसेस कट का निशान लगाया हुआ है उससे 2.5 से 3 इंच की दूरी पे इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और फिर उसके बाद इसे हम इस तरीके से पहले टॉप स्टिच करेंगे ऊपर से, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम 1/4 इंच का ये हम टक्स देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके से इस फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अपना जो टक्स है उसे स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से पहले हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे, फिर उसके बाद हम फोल्ड करके वहां पे स्टिच लगाएंगे। तो इससे फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। और यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फ्रंट के जो आर्म होल का है उसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ 1/2 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम 9.5 इंच है हमारा चेस्ट का मार्किंग, तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है वो 16 इंच है, तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस पे बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बनाएंगे और नीचे से एक बहुत ही अच्छा सा कट ले देंगे। तो उसकी वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इसे बैक के पोर्शन में मैंने यहाँ पे लाइनिंग से इसे अटैच कर लिया है और यहाँ पे जो फिटिंग के लिए टक्स दिए थे उन्हें भी स्टिच कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।